राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों का राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कृषि यंत्र के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो आपका भाग्य बदल देगा। मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर किसानों को एक समस्या और है, वो समस्या कौन सी है कि भारत के अंदर किसानों को मजदूर नहीं मिलते हैं खेतों में काम करने के लिए, चाहे वो गुड़ाई का काम हो, चाहे निड़ाई का काम हो, चाहे फसल कटाई का काम हो, तो मजदूरों की हमेशा शॉर्टेज रहती है। इसी तौर पे मैंने एक ऐसा देसी कृषि यंत्र बनाया है जो आपका भाग्य बदल देगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपका खेतों में जो गुड़ाई निड़ाई के अंदर जो खर्चा होता है उसको कम कर देगा। कम समय के अंदर अधिक काम करने वाला ये देसी कृषि यंत्र है, और इसको मैंने जो बनाया है तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के लोहे से बनाया है, और पूरा फोल्डिंग सिस्टम दिया बनाया है, बोल्ट हर चीज़ पे मैंने बोल्ट दिया है ताकि इसको कोई भी पार्ट्स ख़राब हो जाए तो उसको दूसरा पार्ट्स लगा दो या चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसी तौर पर ये कृषि यंत्र ये देख लीजिए, बहुत ही जुगाड़ से मैंने ये कृषि यंत्र बनाया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग लोहे से बनाया है ताकि किसी भी मिट्टी में इसको चलाया जा सकते हैं, चाहे रेतीली मिट्टी हो उसमें भी आप इसको चला सकते हो, चाहे काली मिट्टी हो उसमें भी आप चला सकते हो, चाहे पहाड़ों की जो कंकर मिट्टी होती है उसके अंदर भी आप इसको चला सकते हो, जैसे कि हमारा कृषि सहयोगी अभी इसको चला रहा है। तो पीछे देखोगे इसकी गुड़ाई, मतलब जमीन के अंदर 3 से 4 इंच की गहराई के अंदर ये जुताई करेगा, ये देख लीजिए, और जुताई के अंदर खरपतवार बिल्कुल उगेगा ही नहीं, बड़ा सा बड़ा खरपतवार को ये भी अपने आप ये खोद देगा, ये देख लीजिए आप। मेरे किसान भाइयों, तकनीक से अगर आप काम करोगे तो ये मान के चलो कि आपका खेती का खर्चा भी कम हो जाएगा। किसान भाइयों का एक ये भी मुख्य कारण है पिछड़ने का, क्योंकि मजदूर किसान भाइयों को टाइम पे नहीं मिलता है। तो ये जो कृषि यंत्र है, इस कृषि यंत्र से आप 2 एकड़ के अंदर, मतलब एक आदमी 2 एकड़ के अंदर आराम से गुड़ाई निड़ाई कर सकता है 8 घंटे के अंदर एक आदमी। तो मेरे किसान भाइयों, आप लोगों का ये बहुत से सुधरेगा इस तरह का कृषि यंत्र, और मैंने और भी इससे पहले वाले वीडियो में दिया है आप इस यंत्र को कैसे बना सकते हो। कोई भी कृषि यंत्र वाला बना देगा, या कोई भी फैब्रिकेशन का काम करता है वो इसको इजीली तौर पे बना देगा, और आप घर में बनाना चाहते हो तो मैंने पूरा वीडियो अगले पहले वाले वीडियो में दिया है, पूरा वीडियो आप लोगों को दिया है ताकि आप इजीली तौर पर आप खुद भी बना सको। अगर आप लोगों को चाहिए तो ये कृषि यंत्र मैं आपके पास आराम से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी भिजवा दूंगा आराम से, परंतु इस कृषि यंत्र को मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोहे में इसलिए बनाया है कि कोई भी किसान भाई अगर मान लो मंगवाए, हार्ड से हार्ड मिट्टी के अंदर ये चलने लायक है कृषि यंत्र। और गुड़ाई की बात करेंगे तो ये देख लीजिए, शानदार गुड़ाई करी है इसने, बहुत गजब की। इसको आप सेट भी कर सकते हो, 18 इंच के अंदर इसके जो चौड़ाई है 18 इंच के ऊपर सेट कर लो, चाहे 15 इंच के ऊपर सेट कर लो, चाहे 12 इंच के ऊपर सेट कर लो, गुड़ाई कितनी दूर पे एरिया पे गुड़ाई करनी है। ये जो हल है ये हल का सेटिंग आप कर सकते हो, इसको हल को मैंने फोल्डिंग सिस्टम में दिया है। तो और भी इस कृषि यंत्रों के काम करता है खेतों के अंदर, ये देखते रहिए मेरे किसान भाइयों। अगर आप लोगों को चाहिए ये कृषि यंत्र तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप ऑर्डर देके आराम से मंगवा सकते हो। रेटों की जो प्राइस लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल इस यंत्र की मिल जाएगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।